हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी द करेक्ट वे ऑफ अप्लाई फाउंडेशन फॉर फ्लॉलेस या फिर लॉन्ग लास्टिंग मेकअप लुक। तो हम फाउंडेशन अप्लाई करने के टाइम कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं जिसके कारण हमारा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता, या फिर हमारा मेकअप का जो बेस है वो फ्लॉलेस नहीं लगता है, और हमारा मेकअप पैची और हमें अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं आज आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिसको यूज करके आप अपना मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी बना सकते हो और इसको फ्लॉलेस भी बना सकते हो। तो यार, अगर आपको मेरी ये होल वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और आपको कोई भी मेकअप या फिर स्किन केयर के रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो कोई भी टाइम वेस्ट किए बगैर चलिए वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाउंडेशन अप्लाई करने के पहले की बात। तो मेक श्योर कि आप मेकअप करने से पहले अपना जो फेस है इसको अच्छे से क्लीन कर लो। आप अपने रेगुलर का जो CTM प्रोसेस है उसको अच्छे से फॉलो कर लो। CTM यानी कि क्लिंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग। क्लीन अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है, उसके बाद आपको टोनर अप्लाई करना है और उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। अगर आप टीनेजर हो तो आपको टोनर की कोई जरूरत नहीं है। एक तो आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, कोई भी टोनर या फिर एंटी एजिंग क्रीम आपको यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप उससे ज्यादा हो, मतलब टीनेजर नहीं हो, तो आप टोनर अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आपको अपना जो बेस है उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाना है और फ्लॉलेस बनाना है तो इसके लिए आप एक तो अपना जो CTM है वो कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, क्लीन करने के बाद अपने फेस को आप रॉ मिल्क लेके इसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हो अपने फेस पे। इसको पाँच मिनट रख के उसको वॉश करके आप उसके बाद अपना टोनर और मॉइस्चराइजर अप्लाई करके उसके बाद अपना जो मेकअप का प्रोसेस है आप उसको स्टार्ट। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप रॉ मिल्क अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो आप सिंपली एक आई स्कीप को लेकर अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हो जिसके कारण हमारा जो ओपन पोर्स वो क्लोज हो जाएंगे और हमारा मेकअप है जो वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और आपका फेस एकदम फ्लॉलेस लगेगा। तो या उसके बाद आप कोई भी टोनर और मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हो। आप मेकअप करने से पहले अच्छे से अपना जो फेस है उसको अच्छे से क्लीन कर लो। उसके दौरान क्या होगा कि हमारा जो बेस है एकदम फ्लॉलेस लगेगा, मेकअप भी अच्छा दिखेगा और आपके जो स्किन पे वो कोई डैमेज भी नहीं होगा। या फिर आपको अगर कोई भी क्लीन किया वगैरह आप कोई भी मेकअप शुरू कर लेते हो तो आपके ब्रेकआउट्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए मेक श्योर कि आप सब। तो उसके बाद चलेंगे फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले प्राइमर। प्राइमर फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हमारे फेस को एक अच्छा सा इवन टोन देता है और हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी बनाता है और हमारे जो बेस है उसको क्लियर भी बनाता है। और हमारे अगर कोई भी मतलब कि फाउंडेशन अप्लाई करने से हमारे कोई ब्रेकआउट्स होते हैं तो ये उसको सेव करता है, मतलब कि ज़्यादा नहीं करने देता है। तो इसलिए फाउंडेशन से पहले प्राइमर अप्लाई करना ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई भी प्राइमर नहीं है या फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप सिंपली एलोवेरा जेल भी यूज़। अगर आपका फेस बहुत ही ज़्यादा अनइवन है, आपको डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो आप सिंपली करेक्टर्स मिलते हैं, आप करेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हो। येलो करेक्टर, ग्रीन करेक्टर या फिर ये ऑरेंज करेक्टर मिलता है। आप सिंपली आप अपने कोई भी डार्क स्पॉट्स पे सिंपली इसको थोड़ा सा अप्लाई करके इसको ब्लेंड कर लो। उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई करके कंसीलर उस पर अप्लाई कर लो तो वो सेट हो जाएगा और ज़्यादा मतलब कि नहीं दिखेगा। तो अगर आपके पास कोई भी करेक्टर नहीं है तो आप सिंपली ऑरेंज लिपस्टिक या फिर रेड लिपस्टिक भी यूज। तो फाउंडेशन जो है वो आपको अपने शेड के हिसाब से ही लेना है, अपने स्किन टोन के हिसाब से, ताकि अगर आप ज़्यादा मतलब कि गोरा होने चक्कर में ले जाओगे ज़्यादा अलग शेड का फाउंडेशन तो वो मतलब कि अच्छा नहीं दिखेगा और केकी लगने लगेगा। तो अगर सही शेड आप अपने फाउंडेशन में लोगे तो वो अच्छे से आपके स्किन को इवन भी बनाएगा और मेकअप लुक बहुत ही अच्छा आएगा। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से अपना टेस्ट करके यहाँ से ड्रॉ करके आप अपना स्किन कलर के हिसाब से फाउंडेशन चूज। अगर आपका स्किन ड्राई है तो आप इसके साथ थोड़ा सा मॉइस्चराइजर या फिर कोई भी सीरम या फिर कोई भी क्रीम आप इसको मिला के अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो, उससे भी आपको एक अच्छा सा। तो बात करें अगर फाउंडेशन को ब्लेंड करने की, तो ब्लेंड करने के लिए आप प्लीज़ हाथ का यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा, उससे कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होगा, सिर्फ पैची लगेगा, अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा, एकदम फेस एकदम ड्राई लगेगा और मेकअप को तो भूल ही जाओ, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए आप यूज़ कर सकते हो ये ब्यूटी ब्लेंडर या फिर ये मेकअप ब्रश,
ब्यूटी ब्लेंडर का काम ये होता है कि अगर आपके स्किन को वो एक अच्छा सा नेचुरल लुक देगा और अगर आपके फेस पे कोई भी मतलब कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है तो उसको ये शो करके आपको अच्छा सा फ्लॉलेस। बिगनर्स हो, आपको मेकअप के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, तो प्लीज़ आप ये ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करो, ये बहुत ही अच्छा है। और ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने का तरीका मैं अभी वीडियो में डाल दूँगी, एक अपना जो वीडियो मैंने जिसमें अप्लाई किया है, और आप अपने मेरे सारे वीडियोज़ में देखे होंगे तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर और कभी कभी ब्रश भी यूज़ करती हूँ। इससे बहुत ही अच्छा नेचुरल लुक आता है। आप ब्यूटी ब्लेंडर से कुछ भी फाउंडेशन, कंसीलर या फिर कोई भी कंटूरिंग या फिर ब्लश या फिर हाइलाइटर को अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो, ये आपको अच्छा सा एक नेचुरल लुक। तो चलिए मैं अपने फेस पे जो है वो फाउंडेशन अप्लाई करके आपको एक तरफ ये ब्यूटी ब्लेंडर और एक तरफ ये ब्रश यूज करके इसको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने फेस पे टोनर अप्लाई करूंगी VLCC का रोज वाटर, उसके बाद मेरा ये लोटस का मॉइस्चराइजर। CTM करना ज़रूरी है इसलिए मैं अपना मॉइस्चराइजिंग अच्छे से अपने फेस को प्रेप करूँगी। आप चाहो तो कोई भी सेरम अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे प्राइमर के लिए ये एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो कोई भी ब्लू हेवन का प्राइमर या फिर नायका का प्राइमर, आप जो भी चाहो वो यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे बेसिक मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे फाउंडेशन लूँगी और इसको मैं एक साइड ब्यूटी ब्लेंडर से और एक दूसरी साइड ब्रश से अप्लाई करके आपको ब्लेंड करके दिखाऊंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे ये रोज़ हिप ऑयल मिला रही हूँ, ये गुड वाइब्स का है। आप चाहो तो कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम भी मिला सकते हो अगर आपकी ड्राई स्किन हो तो। अब इसको मैं अप्लाई कर लूँगी और मेक श्योर कि आप अपने नेक पे भी अप्लाई करें ताकि फेस और नेक का कलर एक आए। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर को मैं यहाँ पे पानी से अच्छे से सोक कर लूँगी, ये देखिए, और उसका जो वाटर है उसको एक्सेस वाटर इसको रिमूव कर लूँगी और इसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी। उसको ड्रैग नहीं करना है, जस्ट डैप डैप करके इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। और ब्यूटी ब्लेंडर से तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नेचुरल लुक आता है। इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी अपने फेस में। तो यहाँ पे देखिए मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से एक साइड मेरा जो है उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और ये कितना फ्लॉलेस लग रहा है ये देखिए। उसके बाद मैं अपने ये दूसरे साइड को ब्रश से ब्लेंड करूंगी। तो चलिए मैं ब्लेंड कर लेती हूँ पहले। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस साइड को ब्रश से ब्लेंड किया है, ये भी अच्छे से ब्लेंड हो गया है। ये फाउंडेशन अगर ज़्यादा है तो इस ये सोक कर लेता है ब्यूटी ब्लेंडर, लेकिन ब्रश नहीं करता। तो यहाँ पे थोड़ा सा मीडियम कवरेज देता है ये। आप तो कंसीलर अप्लाई कर सकते हो। तो उसके बाद मैं फेस को सेट कर लूँगी और अपना बाकी का मेकअप कर लूँगी और उसके बाद मैं आपको मिलूंगी।